आइए आपको लेकर चलती हूँ मुसहरों की बस्ती में। मुसहर अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वे लोग जो मूस खाते हैं, चूहा खाते हैं। इनकी आबादी बिहार में अच्छी खासी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 27 लाख के करीब, और उसके मुताबिक इस समय 2020 तक 35 लाख हो गए होंगे बिहार में मुसहर। मुसहर महादलित कैटेगरी में आते हैं। महादलित जो 2007 में नीतीश सरकार ने दलितों में दलित की एक श्रेणी बनाई थी, उसमें सबसे दयनीय हालत अगर किसी की है तो उसमें है मुसहर। आप वोट डालती हैं? नहीं डालती हैं। क्या नाम है आपका? अरे बताओ बताओ मैं क्या भाई। मुसहर बस्ती का हाल ये है कि वहाँ पर अगर आप पूछिए कि क्या समस्या है तो उन लोगों के लिए गिनाना मुश्किल है। धीरे धीरे करके वे खुलते हैं जैसे उधड़ता है स्वेटर। सरकार के पैसा आवा था गरीबी के घर मरम्मत करे खातिर खा जाता। नीतीश सरकार का महादलित कार्ड जमीन पर किस तरह से विफल हुआ, किस तरह से मुसहरों के जीवन में कुछ भी नहीं बदला, बच्चे वैसे ही भूखे नंगे, बीमारियों का शिकार, महिलाएं बेघर, सब कुछ इस विकास की यात्रा की धज्जियां उड़ाते हुए मौजूद है मुसहर की बस्ती में। पानी पिया था कहाँ पर है? कल वहाँ पे वहाँ है नाली में है। केहू की जगह तो केहू नहीं के कर हमने के काली माई का हुई स्थान कलन बनावे के वो स्थान ना बनते की पहले देख लीजिए। बिजली सगरी है आदमी की तरह से स्थान कह के पानी नहीं के पानी नहीं के। सबसे पहले महिलाएं मुद्दों की बात करती हैं। वे बताती हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक नल है, और वह नल भी नल यानी हैंडपम्प चापाकल, वह नल भी नाले के ऊपर बना हुआ है और इसलिए उसमें से पिलुए यानी कीड़े गिरते रहते हैं। और वे मजबूरी में कहती हैं कोई और चारा नहीं है, हमें वही पानी पीना पड़ता है, कई बार छान कर देते हैं बच्चों को। नहीं है वह कहती हैं यहाँ तकरीबन जितने घर हैं वे टूटे हुए हैं। खुद उनका घर पूरी छत गिर चुकी है, बरसाती डाल रखी है, बहुत ही मुश्किल से जीवन चल रहा है। मैंने बाइक लेके कैसे घूम रहा है, कैसे खाता, कैसे पढ़ाता, इंटर में पढ़ता, कैसे मुसहर के लड़का इंटर में पास हो गई, हमने के लड़का पास नहीं था सब। अब एकरा पर नाम दे दो कि पढ़े मत पीछा ई बात अब जननी और का बात अब ना बदमाशी ना झगड़ा का। क्या नाम है उनका? उसका भीम नाम है, रमेश नाम है। दो गो लड़का दोनों पढ़ा है इंटर में, दोनों जना लोग फंसा। यही से पढ़े इंटर में? हाँ, यही से पढ़े, इसी गाँव से। हाँ,
खाली इंटर तक ही अभी पढ़ा है। हाँ, अब तो दूसरा में नाम दिखाने के रहता है तो दूसरे लोग फंसा देंगे। तो किनका बच्चा है? हमारे बच्चा है। आपका क्या नाम है? बुधिया देवी। बुधिया। तो उनका आगे पढ़ने का मन था? हाँ, अभी तो पढ़े का मन है, तो दुश्मन पीछा लागल बा, पढ़ाई करेंगे। मुसहर यानी छुआछूत की सबसे तगड़ी मार का शिकार होने वाले भारतीय नागरिक। इनकी बस्तियां दूर से ही समझ में आती हैं। भीषण गंदगी, बजबजाते नाले, सुअर, मल, सब कुछ इन बस्तियों के चारों तरफ फैला होता है। छुआछूत जो बहुत पहले ही जिसका उन्मूलन हो चुका संविधान में, यह छुआछूत यहाँ हर तरफ पसरी हुई है। इस जाति समूह के तमाम लोगों के पास छुआछूत का शिकार होने की मार्मिक कहानियां हैं। हर जगह इनके बारे में एक ही तरह के शब्द बोले जाते हैं कि ये लोग बहुत बसाते हैं, बहुत महकते हैं मुसहर। अच्छा, मुसहर बस्ती में बाहर जो बाकी गांव है वहां पर आने जाने में मुश्किल होता है, छुआछूत मानते हो? एक घर में सासू रहता है, गोतनियो रहता है, मैंने रहता नहीं है, वही में घर ना पास का हो के चाहिए। जाड़ा का दिन आता, बरखा पुनिया आता, तो सब व्यक्ति एक में मुसरी और कुटिया आता, यहाँ देखते घर जाके वो एक तरीके घर बढ़ू कल्ला मर बढ़ू वो घर में हम ये घर बढ़ू यही दिखाता नहीं ले रहा हुआ सब भेजा के खींची है। एक तरफ जबरदस्त छुआछूत और वहीं दूसरी तरफ भयानक भीषण बर्बर उपेक्षा। यह गांव बहुत समृद्ध गांव है, लेकिन इस गांव में रहने वाले यह मुसहर दाने दाने को मोहताज हैं और इनके सर पर छत तक नहीं नसीब होती है। एक कमरे का घर है और उसमें दो तीन परिवार यानी 6-7-8 लोग रह रहे हैं। हमने का घर बढ़ गए, द्वार बढ़ गए, यहाँ कितना आदमी हो गया इसमें? इस घर में हमने के दो परिवार, वो बड़ा दो परिवार, हमने के दो परिवार वो बड़ा लो मरते वर गोतनी बाड़ी लो, अब वही में ननद बाड़ी लो आवे लीलो त ना आवे लीलो घर द्वार के चलते कि घर द्वार काम बा सके त बा। तो आपको लगता है कि घर सबसे पहले होना चाहिए? हां, ये जो एक एक कमरे के टूटे फूटे घर हैं, यह भी उन्हें लालू प्रसाद यादव की रिजीम में उनके शासनकाल में मिला था। लालू प्रसाद यादव ने मुसहरों के घर के लिए एक उस समय योजना निकाली थी जिसमें वह कुछ चरणों में मुसहर को ही पैसा देते थे ताकि वह बना सकें। वह पैसा आज की तारीख में या उस समय भी कितना कम रहा होगा ये घर बताते हैं। संपूर्ण आपका पैर में दिक्कत है? कब से हुआ? जन्म से होगा? पेट में के? तो कुछ आपने पेंशन के लिए लिखा? विकलांग पेंशन उन्शन तारा मिलेला? नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिल रहा है। बोला मुँह से बोला, भरी थी आप कोई पेंशन के लिए? भरा था आपने? पेंशन के लिए भरा भी नहीं, कैसे पेंशन का लेवल भरा नहीं? क्या नाम है आपका? गलौतिया।
क्या काम करती हैं आप? हम काम करती हैं, कोयला खुदती हैं, कोयला खुद के लकड़ी न ले आती है, हर रहती है, घर की सब चीज रहती है, तीन तरह के ले आती है, हाँ, बड़ी चीज ले, सब कुछ काम करेगा। बोरा है बोले ले। और आपका बेटे? बेटा, बेटा हमारा बहुत बड़ी चीज है। बोली आपका पेंशन कितना है? हाँ कितना रुपया? नहीं मिलता है, फिर ते ये कहाँ से मिलता है? कम मिला था सारी ये सब अरे लगे अरे लगे रुझ रुझ रहा है रुझ रुझ हाँ चाहता हूँ जब फिर करे लूँ कदर तो कर लूँ जब पैसा नहीं चाहिए आई नाले पर ही बीत रहा है जीवन, बजबजाता गंदगी से भरा हुआ नाला इन लोगों के जीवन का सबसे बड़ा नासूर है। फोटो खींच लिए सरकार, अब दो पैसा कमाते बन जाता, खाते पीते रह जाता नहीं जाया, फोटो राय कहाँ से दो पैसा का कमी नहीं होगा तड़वे तो, अब यही में खेती पधार रहता बनू ना, खेती नहीं की हमने के काम मजदूर बन जा कमा कोड़ के खाई ला जा, काम करती है जान लो काम करे ये सब जमन रोपनी डोपनी होखेला तब ये कर लेला तब पर आपा गिटी बालू उतारे लन लो अब का बात और ये हम की बात बा वोट पड़ता है यहां पर वोट डालने जाते हैं आप लोग कहां के वहां वोट डालते हैं कुमार का महादलित का जो भी कार्ड है जितनी भी वादे उन्होंने किए हैं कि महादलित के जरिए उन्होंने अति दलित तक सुविधाएं पहुंचाई हैं इनकी धज्जियां इस मुसहर टोली में उड़ती दिखाई देती हैं। यहां पर भीषण गंदगी है, घर टूटे हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और काम के लिए कुछ भी ठोस व्यवस्था अभी तक कहीं नजर नहीं आई।